चुनाव के दौरान कोई उम्मीदवार यदि अपने कार्यकर्ता को सब्जी पूरी खिलाता है तो आयोग 35 रुपए उसके खर्च में जोड़ देगा, जबकि चाय पिलाने पर 5 रुपए उम्मीदवार के खर्च में जोड़े जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इंदौर जिला निर्वाचन कार्यालय ने करीब 350 आइटम की दरें तय की हैं और जिसकी जानकारी गुरुवार को नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पहली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी गई। इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आयोग के दिशा निर्देशों के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया व खर्च का ब्यौरा कैसे देना है इसकी जानकारी दी गई। इसके अलावा जिला निर्वाचन शाखा ने 350 से अधिक आइटम की दर निर्धारित की है, जिसकी सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपी गई है। इस सूची में कुछ आइटम्स की दरों पर प्रतिनिधियों ने आपत्ति ली, जिस पर अधिकारियों ने संशोधन भी किया। यदि उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं को सब्जी पूरी खिलाता है तो आयोग उम्मीदवार के खर्चे में 35 रुपए जोड़ेगी, जबकि चाय के लिए रुपए जोड़े जाएंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभय बेड़ेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक में प्रतिनिधियों को सभी जानकारी दी गई है। सार्थक चर्चा हुई है और अधिकतर लोगों की जो क्वेरीज थी उनके उत्तर दिए गए हैं। आज मुख्यतः जो चर्चाएं हुई, एक तो उसमें ये बताया गया कि प्रोग्राम क्या होगा इलेक्शन का, कब किस तारीख से नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे, कब तक लिए जाएंगे, समय जो है वो बेसिकली 10:30 से 3 बजे तक का रहेगा। उसके अलावा जो तारीखें रहेंगी वो 11 से लेकर 18 तक रहेंगी, जिसमें 12 तारीख को अवकाश रहेगा क्योंकि संडे का दिन है। तो ये सब चीज़ें उनको बताई गई हैं। उसके अलावा जो परमिशंस मिलनी हैं वो पुलिस उसमें एडिशनल SP रैंक के अधिकारी से, जो RO हैं सारे, वो उनसे अपना अभिमत लेकर परमिशंस जारी करेंगे। उसके अलावा इस बार जो एक महत्वपूर्ण सबसे मुद्दा है वो व्यय लेखा का मुद्दा है, जिसमें कि महापौर के इलेक्शन के लिए 35 लाख रुपये, नगर निगम के पार्षद के इलेक्शन के लिए 8,75,000 रुपये और जो नगर परिषदों के जो पार्षद हैं उनके लिए 75,000 रुपये, ये व्यवस्था आयोग ने दी है। और उसके लिए जैसे भारत निर्वाचन का जो इलेक्शन होता है तो उसमें व्यय लेखा संधारण होता है, वो भी इस बार किया जाएगा। शेडो रजिस्टर वगैरह के फॉर्मेट आ गए हैं। उसके लिए हम लोग ने फिर कुल 350-350 वस्तुओं की एक सूची भी बनाई है, जिसमें उनके रेट्स इन लोगों को दे दिए गए हैं। उसमें वो डिस्कस करके अगर उनके कोई उसमें ऑब्जर्वेशंस होंगे तो हमें बताएंगे, तो वो आदेश भी हम आज फाइनल कर देंगे, जिससे कि उस सूची में जो चीज़ों के रेट्स दिए गए हैं उस रेट के हिसाब से हम सारी चीज़ों की गणना करेंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्होंने कितना खर्चा किया है। जिस तारीख से प्रत्याशी अपना नाम निर्देशन पत्र जमा कर देगा, मतलब जिस तारीख से वो अपना इंटेंशन शो करेगा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, उस तारीख से उसका व्यय लेखा जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों पे अधिकृत जानकारी इन लोगों को आज दी गई है और उनकी जो क्वेरीज थी उसको भी काफ़ी हद तक शांत करने का प्रयास किया गया है। शिकायत कंट्रोल कक्ष कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसके बाद अभी जब कैंडिडेट डिसाइड हो जाएंगे तो एक बैठक हम और करेंगे, उस बैठक में और भी कोई चीज़ें होंगी तो वो क्लियर होगी। देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो और दूसरे जो कैंडिडेट्स होते हैं, तो चूंकि अभी कैंडिडेट्स डिसाइड नहीं हुए हैं तो जो राजनीतिक दल रहते हैं उनके जो अधिकृत एजेंट्स हैं उन लोग को हम बुलाकर उनके साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करते हैं। बैठक में महत्वपूर्ण अधिकारी सब मौजूद रहते हैं। तो आज की बैठक में कलेक्टर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, नगर निगम कमिश्नर, सभी ADM, सभी बड़े अधिकारी, DO, डिप्टी DO सब उपस्थित थे। बैठक में सार्थक चर्चा हुई है और अधिकतर लोगों को बताया गया है। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर मनीष सिंह, निगम कमिश्नर, पुलिस आयुक्त सहित रिटर्निंग अधिकारी भी मौजूद रहे। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।